टुनी ऑटो चलाने जाने लगी। अब वो हर दिन पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगी। कुछ दिनों बाद टुन्नू चुड़ा स्वस्थ हो जाता है और अपनी बेटी को ऑटो चलाते देखकर बहुत खुश होता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की मुलाकात बंटी कबूतर से होती है। वो टुनटुनी के बचपन का साथी था। उसे देखते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बंटी कबूतर, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, कहाँ थे इतने दिनों से? तुझे क्या बताऊं टुनटुनी, स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही पिताजी का निधन हो गया। तब से मैं उनकी दुकान संभाल रहा हूँ, आगे की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। इस तरह काफी देर तक दोनों बातें करते रहते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ बंटी, काफी देर हो गई, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। जब टुनटुनी घर पहुँचती है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। टुनटुनी आज तूने इतनी देर कहाँ लगा दी, क्यों तुझे आने में देर कैसे हो गई? क्या बताऊँ माँ, मेरे बचपन का दोस्त बंटी मुझे मिल गया था, उससे बातें करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला। अब बंटी कबूतर रोज टुनटुनी चिड़िया से एक पार्क में मिलने लगता है। कुछ ही दिनों की मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। ससुराल में टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी उससे बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी भी इतना अच्छा ससुराल पाकर बहुत